गाइस वेलकम बैक मॉम किचन में आपका फिर से वेलकम है। मैं शाहीन शजा एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ आई हूँ। आज अपन आलू के कटलीज बना रहे हैं। इस वजह से मेरे पास 5 आलू थे जिसे मैंने साफ धो के उसका कवर निकाल दिया। अब हम इसको विजे लगा देंगे क्योंकि मैंने छोटे छोटे पीसे इस वजह से करी ताकि मैश करते वक्त हमारे को हेल्प हो जाए बोल के। इस वजह से अब हम ये आलू को काटेंगे, इसका कवर निकालेंगे, इसे अच्छा 5 पानी में धोने के बाद अब हम इसको 5 या 6 विजे लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बोलती हूँ क्या करेंगे अपन। देखिए गाइस, हमने कुकर में अपने आलू लगा दिए हैं जिसे कवर निकाल कर रखी थी मैं। उसे पानी डाल दिए हैं, एक आधा जग पानी डाल के हम इसे विजिल लगाएंगे। एक 5 या 6 सीटियां होने के बाद हम नेक्स्ट बताएंगे आपको क्या करेंगे। देखिए गाइस, हमारे आलू जो सो सीटी हो रहे हैं हमने कुकर में लगा दिया। जब तक हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हमारे पास 4 अंडे हैं, आप चाहे तो 8 अंडे भी ले सकते हैं। ये 4 अंडे ले ली मैं, उसके अंदर 2 या 3 पिंच आप जो सो काली मिर्ची पाउडर डालिए उसके अंदर, और थोड़ा सा नमक डालिए क्योंकि ऑलरेडी हमें आलू के उसमें भी डालना है, नमक को थोड़ा कम करिए। और देखिए चाट मसाला, मेरे पास चाट मसाला है एवरेस्ट का, आप अपने घर का भी चाट मसाला डाल सकते हैं। इसे 2 या 3 पिंच चाट मसाला डालना है हमें इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3। और अच्छे से हमें इसे बीट कर लेने का है। फिर 3 चीज़ें, देखिए 4 अंडे, काली मिर्ची, नमक और जैसे चाट मसाला लेके थोड़ा सा इस तरह से हम बीट कर लेंगे ताकि अच्छा फ्लेवर आने के लिए। और एक गाइस, देखिए गाइस, ये ब्रेड क्रम्स है जो मेरे पास है। अपने पास घर के ताज़े जो ब्रेड रहती है ना, उसे आप बासी कर लीजिए 2-3 दिन के बाद, उसके जो सो ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करे पास उसे छन्नी कर लीजिए। छन्नी करे पास देखिए हमारा ब्रेड क्रम रेडी है। हम ये ब्रेड क्रम इसमें रख डालिए। देखिए गाइस, मेरे पास 2 डली प्याज है, हमने प्याज लिया है, और मेरे पास चॉपर था तो चॉपर में डाल के मैंने प्याज, कोथमीर, पुदीना और हरी मिर्ची 2 लेके इसे चॉप कर लिया है। और इस चॉप करके उसके अंदर हमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देने का है। 1 चम्मच इसके अंदर नींबू का रस डाल देने का है, और थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देने का है हमें। मिक्स करके हमारा प्लाटर जो फिल करने का है ये आलू के अंदर, वो प्लाटर हम रेडी करके रख देंगे इसके अंदर। एक बार इससे अच्छी तरीके से इसे देखिए स्मूथली आप दोस्तों मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो आलू के अंदर फीमा भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, वेजीज भी डाल सकते हैं और चिकन भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल रेसिपी घर के अंदर बता रही हूँ, इस वजह से आज मैं ऑनियन की बता रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट रेसिपी जो फीमे की, चिकन की या फिर वेजिटेबल्स की भी डाल के फिल करके बताती हूँ मैं नेक्स्ट वीक। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए क्योंकि मुझे आपके दुआओं की खास ज़रूरत है। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नए वीडियोस बनाते जाऊंगी, फिर आपके साथ शेयर करते जाऊंगी। देखिए गाइस, हमारे आलू रेडी हो चुके हैं। अब हम आलू को गर्मा गर्म ही मैश करेंगे, ठंडे हो गए तो मैश नहीं होते। उसके अंदर मैंने काली मिर्ची, नमक, 1 नींबू का रस डाली और थोड़ी सी कोथमीर डाली, ताकि देखिए इस प्लेटर को हमने रेडी करके रख दिया है। देखिए गाइस, आलू का प्लेटर रेडी है हमारा। ये अंडे हमने बीट करके रख डाले हैं, और हमारे पास यहाँ पर जैसे ब्रेड क्रम्स है और ये जो ऑनियन है जो जिसे हमें फिल करने का है। अब देखिए गाइस, थोड़ा सा तेल ले लेके ये जो आलू का प्लेटर हमारा रेडी है ना, वो हम इस तरह से देखिए एक बॉल बनाएंगे। बॉल बना लेके देखिए इस तरह से लाइट वाला, थिक वाला होना हमें अंदर का पोर्शन। देखिए उसके अंदर ये जो काली मिर्ची, नमक, नींबू का रस, हरा मसाला डाले, तो प्याज का 1 डाली। आप चाहे तो उसके अंदर जो सो दूसरी भी चीज़ें डाल सकते हैं फिल करते वक्त। आप तरकारी भी लीजिए, आप चिकन लीजिए, आप कीमा भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए और के प्लेटर में ऊपर से करके इसको फोल्ड कर दे रहे हैं। देखिए इस तरह से ये कटलीज बाजार में मिलते हैं, मानो आप लोग बहुत बार खाए भी होंगे, और इस पर घर के बनाए कटलीज खा के देखिए बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ आप लोगों को कि जो भी करें ट्राई करें आप घर का करिए बोल के। थोड़ा सा तेल लेके देखिए 4 साइड्स को थोड़ा इक्वल से कर लीजिए, थोड़ा सा इस तरह से राउंड अप कर लीजिए, इस तरह से शेप दे दीजिए। देखिए देखिए इसे हमें अंडे के उसमें डिप करना है एक बार, निकाल के हाँ मुझे इसमें डालना। देखिए ब्रेड क्रम्स में इस तरह से ब्रेड क्रम्स में, देखिए एक हमारा वीडियो हो गया। इसी तरह से मैं और बताती हूँ।
देखिए गाइस, हम जिस तरह से कर रहे हैं हमारे आलू की कटलीस को अंडे के अंदर हम जान के इसे मिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद फिर यही लेके हम देखिए ब्रेड क्रम्स में डाल रहे हैं। देखिए ब्रेड क्रम्स में हाथ से इस तरह से डालूँ ताकि ऑल ओवर मिलना हो अच्छे तरीके से। देखिए फिर उसके बाद हम सेकेंड कोट चेक करेंगे, फिर एक बार हम जो सो इसे अंडे में ही डालेंगे। अगेन अंडे में डाल के देखिए इस तरह से एक दो बार या तीन बार आप इसे टर्न कर दीजिए इसी तरह से लाइट तरीके, ताकि चार तरफ भी हमारा जो सो कटलीस रेडी हो जाए। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी मैंने तीन कटलीस बना के ऑलरेडी रख दी है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए एक कटलीस हमारी देखिए इस तरह से हम पैन में डालेंगे। देखिए गाइस किस तरह से हमारी कटलीस रेडी हो रही है और फ्राई हो रही है। देखिए जैसा फ्राई होने पर आए आप इसे एक तरह से टर्न कर दीजिए, टर्न कर दीजिए। देखिए गाइस हमारे आलू की कटलीस बन के रेडी है। देखिए हमने फ्राई करके रख दिया है, मैं जैसा बताइए आप स्टेप बाई स्टेप उसी तरह से बनाइए, बना के बच्चों को स्नैक्स टाइम पे भी दे सकते हैं, आप लंच में भी दे सकते हैं, बना के बहुत अच्छे बनते हैं। आप घर में ट्राई करिए ज़रूर, और प्लीज़ आप दुआ की गुजारिश है मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं फिर नई वीडियो के साथ आपके साथ आ सकूँ। खुदा हाफिज़।